Hey guys, welcome back to another video and another vlog. And guys, इस टाइम पे मैं हूँ बर्मिंगम मिनिस्ट्री स्टेशन, जो कि बर्मिंगम का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ टू द बर्मिंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ से मैं विज़िट करने वाला हूँ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री विच इज़ फ्रांस. मेरी जो फ़्लाइट है वो है 10:20 पर, और इट विल ओनली टेक हार्डली 1 hour 20 minutes टू रीच पैरिस. सो या इज़ गोना बी वेरी क्विक, एंड होपफुली I'm gonna have a really great time in Paris. And अभी मेरी यूनिवर्सिटी की हॉलीडेज चल रही हैं, सो इसीलिए मैं इस हॉलीडे टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ अपनी ट्रैवलिंग में, ताकि मैं थोड़ा दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर कर सकूँ, वहाँ की क्यूज़ीन को एक्सप्लोर कर सकूँ, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर कर सकूँ. सो या फ्रांस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन एज़ वेल, बिकॉज ये मेरी यू नो लाइक प्रोफेशनल से रिलेटेड भी है, जो कि माई प्रोफेशन एज़ अ शेफ़. एंड मोस्टली लाइक सबको पता है कि कुजींस वगैरह मोस्टली फ्रांस से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था. सो दैट्स वाई कुछ ऐसे मोस्ट यूनिक प्लेसेस में मैं फ्रांस में विजिट करूँगा जो कि फूड से रिलेटेड है. एंड सो होपफुली आई एम गोना हैव अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस इन फ्रांस, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स फ्रॉम फ्रांस, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रांस. सो या स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर. यार ये 8 मिनट की ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. इससे पहले मैं कभी इतनी सुपरफास्ट ट्रेन में नहीं बैठा, कसम से मज़ा आ गया. 8 मिनट लगे आने में, लेकिन बहुत सुपरफास्ट और इतनी स्मूथ बस क्या बताऊँ. या इट वाज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. अभी मैं बर्मिंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन पर हूँ, और यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ फ्री शटल का, जो कि एवरी 7 मिनट चलती है. और ट्रेन से आने का मेरा एक रीज़न और भी था, अगर मैं ऊबर से आता तो मेरे को लगते £30, और टाइम भी लग रहा था 35 मिनट, और ट्रेन से खाली लग रहे थे £4, और टाइम लग रहा था खाली 8 मिनट. सो आई चूज़ ट्रेन, और दूसरा एक एक्सपीरियंस भी हो गया ट्रेन से आने का. और या अभी मैं खाली शटल का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि एवरी 7 मिनट. अभी एक निकल गई है, अभी दूसरी आने वाली है, जस्ट वेटिंग फॉर दैट. एंटर करने के लिए मैंने मास्क पहन लिया है, और मैं अब जल्दी से चेक इन कर लेता हूँ, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ. बट पता नहीं क्यों, बट एयरपोर्ट पूरा अभी भी खाली खाली सा लग रहा है. अभी भी लोग काफ़ी ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, बट हाँ, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो ट्रैवल कर सकते हैं. तो मेरा चेहरा थोड़ा थका थका सा लग रहा होगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि कल रात को मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि वो अलग सीन होता है ना कि भाई अगर सुबह सुबह तुम्हारी फ्लाइट है या सुबह सुबह कहीं जाना है तो रात भर नींद नहीं आती. एक्साइटमेंट ही बहुत है भाई.
गाइस ये देखो मेरा अकेले का बैग लावारिस चलता आ रहा है, क्योंकि मेरे को बैच नहीं मिल रही थी, बहुत देर बाद मेरे को मिली है, तो मेरा ही अकेले का बैग रह गया है यहाँ पर। आ जा भाई, किसी भी एयरपोर्ट पे आके इतनी खुशी मिलती है ना कि जाहिर नहीं करी जा सकती है, कि अलग ही तरीके की फीलिंग होती है चाहे किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाओ। और वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी भी एयरपोर्ट पे आके, एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। सो गाइस मैं फाइनली पेरिस के एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ, और फ्लाइट हार्डली टुक 1 आवर 20 मिनट, वॉज रियली क्विक, एकदम से उड़ा उतर गया पता भी नहीं चला। और मैंने अपनी लाइफ का सबसे क्विकेस्ट इमिग्रेशन आज फेस किया है, जो कि खाली टू मिनट्स, क्योंकि यूजुअली इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, बट इन्होंने कुछ नहीं पूछा, दे ओनली सॉ माई यू नो लाइक वैक्सीन रिपोर्ट, कि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ एंड दैट्स इट। और उन्होंने वैसे कुछ रीज़न नहीं पूछा तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कहाँ से आए, कुछ नहीं है, देन दे जस्ट गिव मी अ स्टैम्प, दैट्स इट डन। सो या इसके बाद आई एम जस्ट गोना लुक फॉर एग्जिट राइट नाउ, और देन गोना गो आउटसाइड, गोना गो टू माई हॉस्टल फर्स्ट, चेक इन देयर, एंड देन मैं आज तो रेस्ट करने वाला हूँ, देन शाम को या रात को मैं निकलूँगा बाहर। और अभी तो ये ब्लॉग कहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, देन आई विल बी कीप मेकिंग मोर ब्लॉग्स एंड कंटिन्यू दिस ब्लॉग्स फर्दर। सो गाइस अंटिल दैट टाइम, बाय बाय। To life than this, reaching for the stars.